Welcome to Linkolinks in channel. Please hit the bell icon, like, share, subscribe for more videos. Thank you. पर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं जी. 1913 में बोहर ने एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के उसने एटॉमिक मॉडल को ठीक करके बयान नहीं किया था, उसको ठीक करते हुए बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी. और जो वो कब दी उसने 1913 में दी, ठीक है. और इसके अंदर जी उसने बहुत ही एक सादा सा एटम ले लिया, हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर दिया जी, जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हम कहते हैं न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, यहाँ पर जैसे कि फिगर में बताया. तो सबसे पहले जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले जो बात बताई थी ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं जी किसमें, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो मूव कर रहे होते हैं क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स हैव क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, ठीक है. क्वांटाइज्ड का आप ये जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट चले हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है. एक खास रास्ते हैं जिसकी एक खास एनर्जी है और इसको हम कहते हैं जी फिक्स्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होंगे अपने फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में और वो हमेशा क्या रहती है जी, फिक्स्ड रहती है, ठीक है. और एक अगर एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो उसी में ही मूव करता रहेगा, ये नहीं कह रहेगा कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में या कॉन्टिन्यूस वो एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा या एनर्जी को अंदर नहीं अपने दाखिल कर लेगा. इस तरह से नहीं होता कि वो दूसरे किसी शेल में चला जाए कंटिन्यू करते हुए मूवमेंट शो करते हुए फिर अगले में चला जाए या आखिरी वाले से अंदर आता जाए, अंदर आता जाए, अंदर आता जाए और फिर न्यूक्लियस में जाके जो है वो गिर जाए. और फिर इस तरह से हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल था और वो उसने गलत ये थ्योरी दी थी, जबकि बोहर एटॉमिक मॉडल ने इसको ठीक किया और बताया कि किस तरह से हमारे पास एक एटम का जो है वो किस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं या हम उसकी किस तरह से मॉडल को बना सकते हैं. अब दरमियान में जो न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस होता है पहले वाले ऑर्बिट तक का, या उन्होंने जो ऑर्बिट का डिस्टेंस बताया जी उसको क्या उन्होंने मेजर किया, उन्होंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है. और आर डिस्टेंस क्यों कहते हैं, आर रेडियस को भी कहते हैं हम, ठीक है, जिस तरह हम सेंटर पर सॉरी जिस तरह हम सर्कल पढ़ते हैं और सर्कल क्या हम कहते हैं कि जी सर्कल के अंदर सॉरी हम कहते हैं कि एक सेंटर होता है उसका और सेंटर से लेकर जो उसके इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसको हम जी आर रेडियस कहते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन जिस वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिस वाले मदार में घूम रहा है फिक्स्ड एनर्जी के साथ, उससे लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो होता है जी उसको हम क्या कहते हैं, आर, आर से उसने बताया. तो ये सबसे पहला उसका पोस्टुलेट था कि हाइड्रोजन के जो हमारे पास जो छोटा सा एक हमारे पास एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में जी वो किसके साथ मूव कर रहे होते हैं, एक फिक्स्ड आर बनाते हुए वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला तो उसका ये पोस्टुलेट थी, ये बात थी उसने अपने थ्योरी में बात की. और याद रहे कि ये एटॉमिक थ्योरी है, अभी तक ये बात जो है वो पक्की नहीं है, यानी कि आखिरी हम नहीं कह सकते कि ये लॉ बन गया है या एक बिल्कुल एक ऐसी बात बन गई है जिसको हम गलत साबित नहीं कर सकते. अब भी अगर कोई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी आ जाती है या इससे ज्यादा इंप्रेसिव थ्योरी आ जाएगी जो एटॉमिक एटम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी, तो इस थ्योरी को भी हम क्या कर सकते हैं जी, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके बाद आर की हमने बात कर ली और एनर्जी के जो क्वांटाइजेशन है वो जी उसका सेकंड वाला पोस्टुलेट था या सेकंड वाला उसकी जो थी वो बात थी इसकी थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं जी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में या एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं. पहले तो रेडियस की उन्होंने बात बताई और दूसरा उन्होंने फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स की बात बताई. तो यहाँ से हमें दो पोस्टुलेट्स उनके पता चल गए. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज या गेन नहीं करते, या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकालते एटम से या फिर किसी बाहर वाली एनर्जी को अपने अंदर जज्ब नहीं करते जब तक के क्या हो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरे वाले किसी ऑर्बिट में चला जाए या वो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन था वो इस वाले ऑर्बिट में आ जाए. तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी या अंदर जज्ब नहीं होगी या एब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन को चेंज ना करे. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जी हमारे पास हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजीशन को चेंज करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन चेंजेस पोजीशन तो फिर हमारे पास एनर्जी जो है वो एनर्जी का भी चेंज आएगा, ठीक है. चेंजेस इट्स पोजीशन तो फिर हमारे पास जो है वो एनर्जी का चेंज आएगा. और किस तरह से आएगा जी वो हम देख लेते हैं. कॉज हम लिख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी चेंज, तो एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा था जिसकी फिक्स एनर्जी थी. अब अगर उसने दूसरा वाला ऑर्बिट अपना लिया या दूसरे में जंप करके चला गया है और किस तरह से गया है जी हम एक नेक्स्ट इस फिगर में देख लेते हैं जी. यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पोजीशंस के हमारे पास एक एटम ये बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये दरमियान में सेंटर में जी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन को ई और नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर शो किया हुआ है और यहाँ पर ये जो ब्लैक सा आपको नजर आ रहा है ये वाला ये इलेक्ट्रॉन को हमने जी शो किया हुआ है.
अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से ये जो पिंक कलर की आपको नजर आ रही है जी, ये एनर्जी है, इसको क्या करता है जी, अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा, हासिल करेगा बाहर, किसी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हासिल कर लेता है ये एनर्जी, और फिर क्या करता है जी, इसकी एनर्जी इतने के बराबर हो जाती है जो इस सेकेंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी होती है, जो कि हायर है, जो कि ज्यादा है इस पहले वाले ऑर्बिट से। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है जो इसके बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा जी, इसके बदले में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अब दूसरे शेल में चला गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये पहले किस में था जी, N1 में था, फर्स्ट वाले शेल में था, ठीक है, और जबकि अब किस में चला गया जी, ये N2 में चला गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि अगर उसने N2 से वापस 1 में जाना हो, तो ये उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देगा और कम कर लेगा अपनी एनर्जी को, जो कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट की, फर्स्ट वाले शेल की एनर्जी है। तो यहाँ से वो रिलीज कर रहा है एनर्जी, और यहाँ से वो एब्जॉर्ब करके हायर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि E2 जो है वो क्या होती है जी, हायर होती है E1 से। तो यहाँ पर वो किससे मूव कर रहा है जी, E1 से E2 की तरफ जा रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ रही है, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है जी, H μ के बराबर होती है। और डेल्टा E क्यों लिखा है, क्योंकि फर्क आ रहा है एनर्जी का, क्योंकि वो अब कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, E1 से जी E2 की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर E1 से E2 की तरफ मूव कर रही है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E2 से उसकी मूवमेंट कहाँ है, E1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है, और यहाँ पर भी जो चेंज इन एनर्जी आएगा, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया जी, डेल्टा ई से, यानी कि फर्क जो उसमें आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर ये जो डेल्टा साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम जी, कि ये बराबर है फर्क के, दो चीजों के दरमियान डिफरेंस हम ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये बराबर है किसके, H μ के। H जो है जी ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और इसकी एक फिक्स्ड हम कहते हैं कि एक वैल्यू है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 6.63 × 10 की पावर - हम लेते हैं जी 34, और इसका जो यूनिट है वो होता है जी जूल और सेकंड, ठीक है। तो ये यूनिट जो है वो फिजिक्स के अंदर इसके खास यूनिट, जैसे हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं, लिक्विड को मेजर करते हैं जी, लिक्विड लीटर के अंदर 5 लीटर हमारे पास पानी है या 2 लीटर पानी है, तो इसी तरह से इसका यूनिट जो है वो जूल और सेकेंड है, जे और एस से इसको हम लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इन ऑर्बिट्स में, तो उसका एक जी मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, अगेन ये फिजिक्स के अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं, जब एम को हम कहते हैं मास, यानी कि एम फॉर मास है, उसको हम वी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी क्या है जी, यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जी, ये मोमेंटम बन जाता है, क्योंकि ये हमारे पास सर्कल में है और सर्कल का रेडियस आर होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा जी, MvR। इसका जो मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा जी, MvR, और वो किसके बराबर होता है जी, वो NH/ हम कहते हैं 2π के बराबर होता है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिसके वजह से ये इन्होंने क्या किया जी, एक फॉर्मूला बना दिया, और इससे क्या पता चलता है जी, एंगुलर, या सॉरी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके मोमेंटम के बारे में हमें यहाँ से पता चल जाता है। और मोमेंटम क्या है जी, जब मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी के साथ, यानी कि किस स्पीड के साथ वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस स्पीड को जी वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी उसको कहते हैं, ठीक है। और जबकि एम जो है वो मास को शो कर रहा है, और आर जो है वो उसका रेडियस है न्यूक्लियस से लेकर उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। और यहाँ पर एन जो है वो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, शेल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और सो ऑन। यहाँ पर ऊपर हमने म्यू की बात नहीं की, न्यू की सॉरी, ये क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास किस स्पीड से और कितने टाइम में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मूवमेंट को कंप्लीट कर रहा है, उसको कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारे पास बोहर्स थ्योरी के, उसने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया, और इस तरह से 1918 में उसको नोबेल प्राइज भी इस पर दिया गया।